नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हर एक व्यक्ति का स्वभाव उनके राशि के अनुसार ही बदलता रहता है और पिछले कुछ दिनों से हम राशियों के स्वभाव के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। उसी क्रम में आइए आपको बताते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। मिथुन राशि के लोगों की रुचि घूमने फिरने में बहुत ज्यादा होती है। यह साहित्य लेखन संपादक बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छे पद पर हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातक संगीत और कला में गहरी रुचि रखते हैं। ये दूसरों के विचारों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। इन्हें मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है। कई बार मित्रों से इन्हें विश्वासघात भी हो सकता है। इन्हें ससुराल पक्ष से भी कभी कभी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के लोग हमेशा तर्कपूर्ण बात करते हैं और ये स्वभाव से शौकीन, बातूनी और हाजिर जवाब होने के साथ साथ पार्टी का मजा लेने वाले होते हैं। मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान और बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। ये ईमानदार, सभ्य और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। ये था मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव। अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। संवाद में प्रभावी बने रहेंगे, वाणिज्य विस्तार बेहतर रहेगा, चर्चाओं को बल मिलेगा, लक्ष्य पूरा करने पर जोर देंगे, साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, सामाजिक व्यवहार में सक्रियता आएगी। और अब चलिए मेष राशि वाले जातकों का शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 3 और 9 है, शुभ रंग आपका चेरी कलर है। और शुभ अंक और 9 के बाद बात करेंगे वृष राशि की। घर में हर्ष आनंद रहेगा, व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करेंगे, मेहमानों का आना बना रहेगा, इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे, खान पान प्रभावशाली रहेंगे, संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी। और अब वृष राशि वाले जातकों का शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 3 और 6 है, शुभ रंग आपका रॉयल ब्लू है। और अब बात करते हैं वृष के बाद मिथुन राशि की। सभी समर्थक और सहयोगी रहेंगे, श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखने का समय है, दीर्घकालीन योजनाएं गति लेगी, सृजन बनाएंगे, निर्णय लेने में सहज रहेंगे, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। और अब चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 3, 5, 6 है, शुभ रंग आपका फिरोजी है। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। विदेश के मामले बने रहेंगे, निवेश के प्रयासों में स्पष्टता लाएंगे, कामकाज पर फोकस रहेगा, न्यायिक मामलों में चूक करने से बचे, करियर कारोबार प्रवर्तित बना रहेगा, लेन देन के मामलों में सावधानी बढ़ाएंगे, आर्थिक वाणिज्य मामले में धैर्य रखेंगे। और अब कर्क राशि वाले जातकों का शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 2, 3, 6, 9 है और शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी है। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा, लाभ प्रभाव बेहतर बनाए रखेंगे, आर्थिक उपलब्धियों में बढ़ावा मिलेगा, बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी, सहज अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे, सलाहकारों से परामर्श रखेंगे। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे, लग्न से लक्ष्य पाएंगे, पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे, सामाजिक मामलों को बल मिलेगा। और अब कन्या राशि वाले जातकों का शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 2, 3, 5, 6 है और शुभ रंग समुद्री है। और शुभ रंग और अंक के बाद बात करेंगे तुला राशि की। भाग्य की कृपा से सभी कार्य बनेंगे, उन्नति के प्रयासों में गति आएगी, लाभकारी संकेत बने हुए हैं, महत्वपूर्ण लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे, विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे, इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी, सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे। और अब आपका शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 3 और 6 है, शुभ रंग आपका आसमानी है। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य करें, कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें, शोध कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे, परिजनों का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही ना दिखाएं, व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें। और अब आपका शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 3 और 9 है, शुभ रंग आपका भगवा है। और अब बात करेंगे धनु राशि की और जानेंगे 3 मार्च का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों और सहकर्मियों का साथ साहस पराक्रम बढ़ाएगा, निजी संबंधों में मजबूती आएगी, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे, परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा,
अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे, साझेदारी का लाभ उठाएंगे। और अब धनु राशि वाले जातकों का शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 369 है, शुभ रंग आपका सिंदूरी है। और धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। कर्मठता पर भरोसा बढ़ेगा, महत्वपूर्ण प्रयासों में गति रहेगी, निवेश और खर्च पर ध्यान देंगे, श्रमशीलता पर जोर रखेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, पेशेवर विषयों को हल करेंगे और आवश्यक मामलों में गति रखेंगे। अब आपका शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 6 और 9 है, शुभ रंग आपका चमकीला लाल है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। विभिन्न कार्यों में सहज रहेंगे, सलाह और परीक्षण पर जोर देंगे, मित्रों के साथ समर्थन से उत्साह बढ़ेगा, कारोबार आगे बढ़ेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, करियर व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे, प्रियजनों से मुलाकात होगी। आपका शुभ अंक 236 है और शुभ रंग आपका शहद समान है। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। आर्थिक वाणिज्य सक्रियता बढ़ेगी, सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा, अनुभवियों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे, वरिष्ठों का सम्मान रखेंगे, वाहन आदि के मामले में सवरेंगे और आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे। और अब आपका शुभ अंक और रंग जान लेते हैं। आपका शुभ अंक 369 है, शुभ रंग आपका सिंदूरी है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।